वायरस ने सिखा दिया हेल्दी लाइफ कितनी महत्वपूर्ण है। आपके फिटनेस और अच्छी हेल्थ के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए ABS जिम, जहां है वेल इक्विपाइड इक्विपमेंट्स के साथ सर्टिफाइड ट्रेनर्स और डाइटिशियन। पूरी सुरक्षा और हाइजीन के साथ ABS फिटनेस एंड वेलनेस फिर से आपके सेवा में शुरू है, खांडे सेंट्रल मॉल जलगांव। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जलगांव में, जहां पर इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी संस्थाएं होती है, उन सब के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। इवेंट मतलब शादी विवाह वगैरह में जो चीज़ें भी यहाँ पर काम आती हैं शादी विवाह में, उनका काम जब से कोरोना का लॉकडाउन लगा है तब से बंद हो चुका है। और इस वजह से अब चूंकि उनकी भी माली हालत जो है वो लगातार खस्ता होती जा रही है, उनके यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं वो लोग परेशान हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे ये एक बड़ा प्रश्न इनके सामने है। और इस वजह से अब वो धरना आंदोलन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आपको बताता चलूँ कि कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें बंद है, लेकिन चूँकि बिहार में चुनाव है तो आप देखिए बिहार में सभी कुछ खुला हुआ है। बिहार में रैलियों में लगभग हजारों लाखों लोग आ रहे हैं। यहाँ शादी में सारी चीज़ें बंद करके रखे हैं, तो क्या ये माना जाए कि चुनाव एक बड़ा इवेंट है, शादी विवाह बाकी चीज़ें जो है, महाराष्ट्र में तो मंदिर भी बंद है, तो क्या चुनाव इन सब चीज़ों से ऊपर है? जनता को एक तरफ सरकार लॉकडाउन में कैद कर रही है, दूसरी तरफ अपने फायदे और सरकार के चुनावी माहौल में सारी चीज़ें ओपन कर रही है जहाँ पर चुनाव है। हमारे साथ इतने सारे लोग मौजूद हैं, सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे यहाँ पर कि क्या परेशानियाँ इनको आ रही है और अभी इनकी डिमांड क्या है। हमारे साथ प्रदीप जी हैं जो बहुत पहले से टेंट और डेकोरेशन के काम कर रहे हैं। प्रदीप जी, क्या क्या डिमांड क्या है अभी आपकी सरकार से? मैं प्रदीप श्रीमाल, जलगांव टेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष और महाराष्ट्र वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का पूरे महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष मैं बोल रहा हूँ कि सरकार ने 50 लोगों की जो परमिशन दी है वो 500 लोगों की देना, यही हमारी पहली मांग है। और आज के तारीख में ये मांग आज पूरी नहीं हुई तो हम इसके आगे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और आगे इसकी दिशा हम बताएंगे। सरकार जो है वो इनकी डिमांड्स को पूरा करे, यही इनकी डिमांड्स है, लेकिन सरकार इनकी डिमांड्स पे कितना ध्यान देती है ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। हमारे साथ ऑर्केस्ट्रा के प्रतिनिधि हैं जो ऑर्केस्ट्रा का काम किया करते हैं। सर, लॉकडाउन के बाद से कैसी परेशानी आपको आ रही है? लॉकडाउन के बाद से परेशानी ये आ रही है कि हमारे साथ में जो काम करने वाले हमारे जो वर्कर्स है, जो आर्टिस्ट है, उनको रोजगार नहीं है, उनकी फैमिली का भुगतान जैसे चल रहा है, जो उनका रोजन का नियम है जो चल रहा है, खाना पीने के उनके सबका प्रॉब्लम हो रहा है ना, मकान का किराया वो भर नहीं सकते, बिजली का बिल वो भर नहीं पा रहे, गोडाउन के किराए वो दे नहीं पा रहे, तो शादियां बने, बाकी के सभी प्रकार के इवेंट्स बने, गवर्नमेंट ने जो परमिशन दी है मात्र 100 से 150 लोगों की परमिशन दी है, पर इसमें वो जो हमारा इवेंट्स का इंडस्ट्री है वो पूरा ठप हो चुका है, वो चल नहीं पा रहा है। इवेंट की इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पे, अगर सरकार जल्दी से इन लोगों के लिए कुछ निर्णय नहीं लेती है तो इनके साथ साथ इनके यहाँ काम करने वाले और भी लोगों के लिए परेशानियाँ आ सकती है और आएगी ज़रूर। आपको बताते चलूँ कि पुरोहित जो होते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और पुरोहित जो हैं उनके भी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग शादी विवाह में पंडिताई करते हैं, कई जगहों पर उनकी ज़रूरत रहती है, पुरोहित मंदिर में जाया करते थे, मंदिर भी बंद कर दिया है, तो उनके लिए भी एक विषय है। देखिए, जीवन यापन करने के लिए हर किसी को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आप उस ज़रूरत के साधन को ख़त्म करेंगे तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सर, कैसे रह रहे हैं इन दिनों लॉकडाउन के बाद से आपके दिन? 5-6 महीने से हम लोग तो मतलब पहला जो 2 महीना था ऐसा लग रहा था कि पूरे विश्व में ये महामारी है तो निपट जाएगा, मगर जब लास्ट 5th मंथ से हम जब तक ये सब परेशानी से झेल रहे हैं तो यार इसकी तकलीफें हमारे से ज़्यादा, मतलब पूरे देश को ये प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड को ये प्रॉब्लम है, मगर हमारे से ज़्यादा इसको कोई पहचान नहीं सकता है, क्योंकि जब ये समस्याएं सबके साथ में थी, आज पूरे महाराष्ट्र में 5 लाख इवेंट्स के साथ में काम करने वाले लोग हैं और उनके पास में अगर समझो लोग पकड़े जाए तो कम से कम 50 लाख लोगों का इंडस्ट्री चल रहा है, और उसमें भी अगर समझो इन लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है
यार बस शुरू हो गई है, दारू के अड्डे शुरू हो चुके हैं, होटल्स को परमिशन मिल रही है, जिम शुरू हो चुकी है, तो सभी चीज़ों के लिए अगर समझो परमिशन मिल रही है तो यार एक छोटी सी इंडस्ट्री है जो हम हमारी जो मतलब मांगे हैं उसमें एक ही कहना है कि 500 लोगों का तो परमिशन दीजिए, एटलीस्ट हमारा रनिंग कॉस्ट जो है वो तो निकाल ले, क्योंकि 50 लोगों के लिए अगर खाना बनाना हो या साउंड लगाना हो या एक मंडप लगाना हो तो इतने छोटे पैमाने पे हम भी बजट नहीं दे पाते और वो भी अफोर्ड करने के लिए मतलब वो सोचता है कि 50 लोगों के लिए क्या खर्चा करना, तो एटलीस्ट 500 लोगों का परमिशन मिले, यही हम जिलाधिकारी साहब को आज बोलेंगे कि 500 लोगों के लिए हमें परमिशन आज देनी चाहिए। सरकार से 500 लोगों की डिमांड्स कर रहे हैं कि 500 लोगों की परमिशन मिलनी चाहिए। पुरोहित तिवारी जी हमारे साथ हैं, कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको अभी जब से लॉकडाउन लगा है तब से? सर जी आज 8 महीने हो गए हम घर पे बैठे हैं, कुछ भी व्यवसाय नहीं है, कोई दूसरा व्यवसाय भी नहीं कर सकते, हम दूसरा व्यवसाय कर सकते हैं, हमारे साथ में कम से कम 50 जन जुड़े हुए हैं, वो भी आज दिन तक कई रोजाना फोन करके पूछते हैं कब काम चालू होगा। और आज हम 8 महीने से बैठे, हम बहुत परेशान है सर। देखिए सभी की व्यथा लगभग एक ही है, परेशान सभी हैं और इस तरह की परेशानियां आगे भी बढ़ सकती है। आपको बताते चले कि फ्रांस में अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया है, बताया जा रहा है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो फिर से आने वाली है और अगर ऐसा होता है तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कोरोना ये बीमारी फिर से सभी जगह पर आती है तो दूसरी लहर में भारत भी लपेटा जाएगा। भगवान करे दूसरी लहर ना आए और फिर से भारत में लॉकडाउन ना लगे। जलगांव से आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज़ के लिए। प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।